जिनेंद्र, आज का जय लेक्चर शुरू जिनेंद्र। करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में ये जो टॉपिक था कि भाई संयम क्या है, संयम और उसका उसका पालन से क्या फल मिलता है, विरति, संयम का फल विरति, सम्यक दर्शन क्या है, ये सब चीज़ हमने जाना। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, लास्ट क्लास में सबसे महत्वपूर्ण ये दो मुद्दा हमने जाना कि भी जो हम कर रहे हैं क्या वो सकाम, सकाम मतलब वो काम की है, आप समझ लो। अकाम निर्जरा में कुछ नहीं हो रहा है। एक बाल विधवा है जो वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, करेगी कि नहीं बताओ? करेगी। तो वो बाल विधवा है, उसको वहाँ और कोई वो कोई तरीका नहीं है उसके पास, या शादी नहीं कर सकती या कुछ, इसीलिए वो ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है। लेकिन जीव हत्या से बचने के लिए जैसे कोई महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वो हुई सकाम निर्जरा। समझ में आया? और आपको ऐसे ही जबरदस्ती या ऐसे ही ये चीज काम करनी पड़े, उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। अब निर्जरा तो उसमें भी है, पुण्य का काम तो वो बाल विधवा भी कर ही रही है ना। हाँ, वो भी कर रही है, लेकिन उसको अकाम निर्जरा कहा गया है, क्योंकि ये सोच के, समझ के, जानबूझ के जीव हत्या से बचने के लिए की हुई निर्जरा नहीं है। तो ये बहुत फर्क है दोनों में। जबरदस्ती ब्रह्मचर्य, जबरदस्ती भूख तरस, ऐसे तीन दिन का अठम हो जाए और चंदन बाला ने किया, दो में फर्क है ना? बहुत फर्क है। ऐसे आपको कोई कोई जेल में या कोई कमरे में बंद करके चला जाए और 3 दिन के 8 दिन का उपवास हो जाए, तो वो हो गई अकाम निर्जरा। क्योंकि आपको तो यही इंतजार है कि कब कोई दरवाजा खोले और कब मुझे आके खाना दे। लेकिन सच में जो अठम कर रहे हैं उनको वो अठम का फल मिलेगा, क्योंकि उसने 100 चीज खाने की सामने होने के बावजूद उसने तपस्या की और वो खाना बंद कर दिया। बराबर? तो इस तरह से अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा का लास्ट हमने कल देखा। तो अकाम निर्जरा करने वाले को भी देवपणु तो जरूर मिलता है। तो इस तरह संयम रहित हो, अगर कोई आप संयम रहित हो, श्रवण के गुण, आचार, अनुष्ठान, बाह्य वेश धारण करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव, श्रवण के गुण उन्होंने धारण कर लिए, मिथ्या दृष्टि जीव है, बाह्य वेश भी धारण कर लिया है, बाह्य वेश से वो साधु भी बन चुके हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, आचार भी पालन कर रहे हैं, श्रवण के गुण भी वो अपना के बैठे हैं, लेकिन मन से भीतर से इस चीज पे किसी उनको कोई भरोसा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंदर से उनको भरोसा ही नहीं है। तो वो जीव मिथ्या दृष्टि होने के कारण यहाँ से आयु खत्म करके जो जो श्रवण के गुण, श्रवण के आचार, श्रवण के अनुष्ठान, श्रवण का वेश, ये सारा श्रावक का वेश, ये जो धारण करके उन्होंने जो जो पुण्य कमाया है, वो सारा पुण्य उनको भवनवासी, जगन्य से भवनवासी, उत्कृष्ट से ग्रैवयज्ञ देवलोक तक उनका जन्म हो सकता है। बराबर? जो जीव खंडित संयमी है, जब से दीक्षा ली तब से संयम को खंडित करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने चारित्र का तो पूरा पालन किया हुआ है, चारित्र का पालन किया हुआ है, इसलिए पुण्य कमाया है। तो ऐसे जीव जगन्य से भवनवासी में और उत्कृष्ट से पहले देवलोक तक ही जाएंगे, क्योंकि वो बार बार संयम को खंडित कर रहे। ठीक है? जो जीव अखंडित संयम वाले, मतलब जब से दीक्षा ली है तब से उनका चारित्र अभग्न है, अखंडित है, ऐसे संयम वाले जीवों ने संज्वलन कषाय, अब इन्होंने संयम तो रखा है अच्छे से, लेकिन कषाय के सामर्थ्य से अपने अंदर थोड़े भी मायादी कषायों को रहने दिया, उन्होंने अपने कभी भी चारित्र का उपघात नहीं किया। ऐसे अखंडित संयमी जीव पहले देवलोक से लेके उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध तक उत्पन्न होते हैं। ये तो हुए संयमी जीवन के लिए। संयमी जीवन दो प्रकार के हैं, या खंडित होगा या अखंडित होगा। खंडित हुआ तो वो भवनवासी से लेके ग्रहवयक्त तक जन्म लेंगे, लेकिन अखंडित संयम वाले हैं वो
पहले देवलोक से लेके 12वें देवलोक या फिर सर्वार्थसिद्ध तक, क्योंकि देवलोक में भी वो उच्च कक्षा में जाएंगे। ठीक है, अब अवदेश वीरति और श्रावकों की बात है। अब श्रवण का तो हो गया, अब श्रावक की बात है। देश वीरति, देश वीरति मतलब कि देश भाग वीरति, थोड़ी वीरति, थोड़े अंशतः वृति, उनको श्रावक, उनको देश वीरति कहा जाता है। वीरति का मतलब है विरमना, पाप कर्म से विराम लेना। वीरति का मतलब क्या, पाप कर्म से विराम लो, ले रहे हो आप, मुझे पाप नहीं करना है ऐसा निश्चय कर रहे हो, मुझे पाप नहीं करना है ऐसा व्रत कर रहे हो, नियम कर रहे हो, इसलिए उनको व्रति कहा जाता है। और ये व्रति का अर्थ होने से ही हम लोग देश वीरति, साधु सर्व वीरति है, क्योंकि वो कहीं आते जाते नहीं, गाड़ी में नहीं बैठते, इलेक्ट्रिक का यूज नहीं करते, वो सर्व प्रकार से पालन कर सकते हैं। लेकिन हम श्रावक है, कुटुंब में रह रहे हैं, गाड़ी में आते जाते हैं, ट्रेन में आते जाते हैं, तो हम लोग सर्व प्रकार से नहीं कर सकते, अंशतः करते हैं। हिंसादि पापों में से अंशतः निवृत्त होना, उनको देश वीरति व्रत लेने वाले अंशतः व्रती कहा जाता है, क्योंकि उसने अंशतः व्रत पालन करके, वो संयमी तो है, इस कारण से वो संयमी तो है, लेकिन सूक्ष्म जीवों की हिंसादि कार्य उससे तो होता ही है, इसलिए वो असंयमी भी है। बराबर, देश वीरति को संयमी असंयमी दोनों कहा जाता है। संयमा संयमी वो शब्द है, संयम असंयम मतलब संयमा संयमी कहा गया। ऐसे देश वीरति जिन्होंने देश वीरति का स्वीकार किया, तब से व्रत परिणाम अखंडित रहो, उनके व्रत परिणाम अखंडित रहो। आपको पता है परमात्मा के समय 10 श्रावक थे जिनको अवधि ज्ञान हुआ था, वो श्रावक पणा में भी बिल्कुल साधु की तरह रहते थे। आनंद श्रावक, उनके घर पे गौतम स्वामी गोचरी के लिए गए, उन्होंने गौतम स्वामी से कहा कि भाई ऐसा श्रावक को हो सकता है कि उसको कुछ 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 हद तक दिखाई दे। गौतम स्वामी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता है, आप चलो भगवान के पास और आप जाके प्रायश्चित लो। तो भगवान के पास आए, भगवान से पूछने आए, तो भगवान से पूछा, तब भगवान ने कहा नहीं गौतम, आप गलत, आपसे गलती हुई है, आप उनसे प्रायश्चित मांगो। क्यों? क्योंकि ऐसे श्रावक को हो सकता है, और आनंद श्रावक को सचमुच में अवधि ज्ञान हुआ। तो श्रावक को अवधि ज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि आनंद श्रावक अपनी ही कोठार शाला में अलग रहकर अलग जीवन जीते थे, वो घर में रह के पत्नी बच्चों के साथ नहीं जीते थे। कामदेव श्रावक, आनंद श्रावक, ऐसे 10 श्रावक थे। बात समझ में आ रही है मेरी? वो अलग से कोठार में रह रहे थे, वहाँ बैठ के धर्म ध्यान ही कर रहे थे, सामायिक ही लेकर बैठते थे, और उन्होंने धंधा बिजनेस व्यापार ये परिवार के साथ रहना, राग द्वेष में आना, वो सब बंद कर दिया था। तो फिर बिल्कुल साधु जैसा ही जीवन जी रहे हो, तो उनको तो हो ही सकता है ना। हाँ, आओ ठीक है। तो इस तरह से देश वीरति, लेकिन जिनका व्रत परिणाम अखंडित हो, ऐसे अखंडित संयम संयमी के जीव जगन्य से पहले देवलोक से लेके उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध 12 देवलोक तक उत्पन्न होते हैं, 12 देवलोक तक, अच्युत कल्प देवलोक तक वो उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर उससे विपरीत परिणाम वाले, मतलब कि जो देश वीरति श्रावकों ने देश वीरति का स्वीकार किया हो, लेकिन उनका व्रत परिणाम खंडित रहा हो, कहीं ना कहीं से व्रत खंडित हो जाता हो, ऐसे खंडित संयम संयमी जीव जगन्य से भवनवासी से लेके उत्कृष्ट से ज्योतिष्क विमानों में उत्पन्न होते हैं। वो भवनवासी और ज्योतिष्क में ही जाएंगे, वो देवलोक में नहीं जाएंगे। आओ, अब फिर से वो अकाम निर्जरा की बात की है। यहाँ अकाम निर्जरा फिर से आई, क्यों? क्योंकि मर्जी के बगैर कर्म क्षय होने वाले जीव जगन्य से भवनवासी में उत्कृष्ट से वाणवेंद्र में उत्पन्न होते हैं। नीचे खरते हुए, अपने आप गिरते हुए पत्ते, फूल, फल आदि का उपभोग करने वाले बहुत से ऐसे जीव है जो सीधे वृक्ष और वनस्पति नहीं लेंगे, लेकिन जो नीचे खड़े हुए पड़े हैं फल या टूटे हुए फल है उसका ही उपभोग करेंगे।
तो उन्होंने जीव को की हणना तो नहीं की है ना। तापस आदि ऐसे जो मूल तपस्वी है वो जगन्य से भवनवासी और उत्कृष्ट से ज्योतिष के विमान में उत्पन्न होते हैं। चेष्टा आदि करने वाले कंदर्पिक जगन्य से भवनवासी और उत्कृष्ट सौधर्म कल के विमान में होते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे कोई साधु जो अन्य धर्म के हो और अन्य धर्म के होकर भी हठयोग कर रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और भिक्षा मांग मांग के खा रहे हैं, तो वो भी तो पाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोक्ष की भावना तो उनके नहीं है, तो अकाम निर्जरा हुई ना। हाँ, तो वो ऐसे भवनपति व्यंतर वाण व्यंतर में उत्पन्न होंगे और ज्योतिष में। समझ में आया? हाँ, आओ, क्योंकि उससे भी उनका पुण्य तो बनेगा ही। चलो, अब ये जीव की बात की है, जीव कैसे होते हैं। तो जीव कामी भी है, भोगी भी है। श्रोतेंद्रिय चक्षु की अपेक्षा से जीव कामी होते हैं। श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय उससे कामी हो जाते हैं। कैसे? कोई बात सुनी और किसी ने किसी की चीज का बखान किया तो हमारा मन हो जाएगा ना, चलो इसको देखने जाते हैं। हाँ। तो कामी हो गए हम। हाँ। काम वासना जाग गई और चक्षु की अपेक्षा है, मतलब आंखों से कुछ देख लिया, आंखों से कोई पिक्चर देख लिया और उसमें कुछ सीन ऐसा देख लिया कोई जगह का, यार ये तो बहुत बढ़िया गार्डन और बगीचा है, हमको अभी वहां जाना ही जाना है, तो वो भी तो काम ही हो गए, काम की अपेक्षा से ही हुआ। हाँ, हाँ। और ध्राण जीवा और स्पर्शेंद्रिय बाकी की तीन इंद्रिय उससे भोगी होते हैं। अगर कोई चीज अच्छी सी सुगंध आ गई तो खाने का मन करेगा, अगर किसी ने कोई पीपर चखा दी तो पूछ लेंगे भी कहाँ से लाया, किधर से लाया, कहाँ मिल रही है। और स्पर्शेंद्रिय से तो बहुत ही भोग जाग जाता है, जागता है कि नहीं। आज अगर कोई भी व्यक्ति बस में और उसमें कोई आपको स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श कर ले तो कुछ होता है ना बॉडी में, तभी तो गुस्सा आता है। हाँ, नॉर्मल स्पर्श नहीं होता है उसका, आपको नॉर्मल नहीं लगता है। तो स्पर्शेंद्रिय से तो भोग जागेगा ही जागेगा, जागेगा ना। तो वो अपेक्षा से जीव भोगी होते हैं। तो दो जीव भोगी और कामी दोनों हो गए ना पांचों इंद्रिय की अपेक्षा से। ठीक है, तो जो जीव चक्षु तथा श्रोतेंद्रिय नहीं होते हैं, मतलब एक इंद्रिय बी इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव, तो वो कामी तो होते ही नहीं, उनको काम जागेगा नहीं। एक इंद्रिय बी इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव कामी नहीं होते हैं, लेकिन भोगी तो होंगे ना। हाँ, तो उसको नो कामी भोगी कहा जाएगा। कैसा? नो कामी भोगी। अच्छा, और चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव तो कामी अवश्य और भोगी दोनों होते हैं। हाँ, अब सिद्ध के जीव कामी और भोगी होते हैं। किसके? सिद्ध गति नहीं, तो वो नो कामी नो भोगी हुए। क्या हुए वो? नो कामी नो भोगी। ठीक है, तो कामी भोगी जीव बहुत थोड़े होते हैं, नो कामी नो भोगी जीव भी थोड़े ही होते हैं, बराबर। हाँ, उससे अनंत गुण होते हैं और भोगी जीव उससे भी अनंत गुण होते हैं। मतलब क्या हुआ पता है? आज दुनिया में देखो सिद्ध के जीव बहुत थोड़े हैं, लेकिन चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय बहुत थोड़े हैं, बराबर। तो सबसे कम जीव कौन हुए? चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय चौरिंद्रिय सबसे थोड़े, और हम चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय से भी सिद्ध गति के जीव ज्यादा हुए। समझ में आया? हाँ। और बाकी के एक इंद्रिय बे इंद्रिय तीन इंद्रिय सबसे ज्यादा हुए। हाँ। तो अब आप ये समझ सकते हो कि हमको ये पंचेंद्रिय शरीर बहुत मुश्किल से मिला है। हाँ। क्योंकि हमारी गिनती तो बहुत थोड़े में है, सबसे लास्ट में। चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय सबसे कम जीव है। ये दुनिया में जीवों की अपेक्षा, ये बहुत बढ़िया पाठ है, आप समझो, जीवों की अपेक्षा चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय सबसे कम जीव। तो आप सबसे कम गिनती में आ रहे हो, तो नसीब वाले हो कि नहीं कि आपकी वहां पे गिनती हुई। हाँ। और हम लोग ये पूरा जिंदगी ये कूट कूट के मर जाते हैं, मेरे नसीब ही खराब। अब भगवान क्या दे आपको? क्या दे? एक इंद्रिय बी इंद्रिय तीन इंद्रिय दे? नहीं। बोलो। नहीं।
नहीं चाहिए क्योंकि हाँ, तो भाई फिर अब कभी बोलोगे मुझसे निकलेगा कि मेरे नसीब अच्छे नहीं है? नहीं अभी नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। हमको ये जीवन मिला है उसका पूरा का पूरा फायदा लेना है हमको। अब सिद्ध ये संसार से बाहर निकलने में ये काम आएगा। किसके काम आएगा? संसार से बाहर निकलने में ये पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय भव ही काम आएगा, और वो भी मनुष्य का। समझ में आ गया? बहुत मुश्किल से मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय बने हो तो और उसमें भी जैन दर्शन, उसमें भी जैन दर्शन, बोलो कितनी कम गिनती होगी। बहुत और उसमें भी ये पढ़ने का मौका, आगम पढ़ने का मौका। वो तो लकी होंगे तो ही होता है। हाँ, वो तो बहुत कम। तो अब आप समझ सकते हो कि आपकी गिनती कितने नसीब वालों में हो रही है। तो अब इस चीज को बढ़ाना है। कभी भी नाराजगी से ये नहीं बोलना है कि मेरी जिंदगी बेकार गई। ठीक है? हाँ हाँ, चलो अब आओ आगे। तो अब तो ये समझ में आ गया कि ये बहुत कम मौका है जो लोगों को मिलता है। तो महानिर्जरा और महानिर्वाण रूप फल बोलो हमको भी मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। पर महात्मा को तो इसे ज्यादा मिला है ना। हाँ आज जो दीक्षा लेकर बैठे उनको तो हमसे ज्यादा मिला है। तो ऐसे महानिर्जरा महानिर्वाण रूप फल वाले वीरतिवंत छद्मस्थ, कोई छद्मस्थ जो कोई भी देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होने की योग्यता वाले हो, वो अभी क्षीण भोगी एक मिनट हाँ आओ और दुर्बल शरीरी हो, वो भी तो क्षीण भोगी और दुर्बल शरीरी होंगे ना महानिर्जरा महावेदना वाले। हाँ जो ज्यादा तपस्या करेंगे वो क्षीण भोगी क्षीण हो दुर्बल क्षीण होंगे कि नहीं होंगे? कोई होंगे। खाना खा पी के अलमस्त तो होंगे नहीं। वो चाहे क्षीण हो दुर्बल शरीरी हो, लेकिन वो जीव उत्थान में कर्म बल में वीर्य में और पुरुषकार पराक्रम में कोई भी ऐसे विपुल भोगी भोगों को भोगने वाले उन सबसे वो वीरतिवन छद्मस्थ होने के कारण सभी भोगों का त्याग कर रहा है। इस कारण से वो महानिर्जरा और महानिर्वाण रूप फल वाला बनता है। समझ में आया कि महानिर्जरा वाला और महानिर्वाण वाले वाले जीव कैसे होते हैं? समझ में आया? हाँ इस प्रकार से अवधि ज्ञान वाले के लिए भी वो भी महानिर्जरा महानिर्वाण वाले हो जाते हैं। उसी भव में सिद्ध होने योग्य परम अवधि ज्ञानी भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है? हाँ ये बहुत कम गिनती में है। पंचेंद्रिय जीव है, संगनी पंचेंद्रिय जीव है, संकीति जीव है, वो बिल्कुल कम परसेंटेज में होंगे। आओ पृथ्वी कायिक से लेके वनस्पति कायिक तक के जीव तथा त्रस जीवों में समूर्छम कोटि के जो जीव असंगनी बिना मन की संज्ञा के अज्ञानी मूढ़ अज्ञान अंधकार में प्रवेश किए हुए जीव, अज्ञान रूप आवरण वाले और मोह जाल से आच्छादित हुए जीव, अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के अभाव वाले जीव, अनिच्छा पूर्वक वेदना को वेद लेते हैं, समूर्छिम जीव वो होते हैं जो माता पिता के संयोग के बिना ही गर्भ जीवों के मल मूत्रादि में उत्पन्न हो जाते हैं, और वो अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के अभाव होने से अनिच्छा पूर्वक वेदना को वेदते हैं। समझ में आ गया? अनिच्छा पूर्वक वेदना को वेदने वाले अकाम निर्जरा के जीव कौन कौन होते हैं? यहाँ आपको सकाम निर्जरा वाले जीव और अकाम निर्जरा वाले जीव कौन कौन है वो बताया है। क्लियर हो गया ना? हाँ तो जो महानिर्वाण महावेदना वाले जीव है निर्जरा और महावेदना, वो ही सकाम निर्जरा वाले। सकाम निर्जरा करोगे तो ही महानिर्जरा होगी, सकाम निर्जरा करोगे तो ही
चाहे महावेदना हो, क्योंकि उपवास में कोई छठ करके काश्मीरा ने छठ किया, क्या कोई तकलीफ नहीं पड़ी होगी क्या उसको? अठम किया काश्मीरा ने अभी, क्या कोई तकलीफ नहीं पड़ी होगी? हुई होगी महावेदना अपने, वो दक्षा भी एक उपवास बैसना, एक उपवास बैसना कर रही है चौमासे में, क्या तकलीफ नहीं पड़ेगी क्या? पड़ेगी ना। हाँ महावेदना होगी, लेकिन वो महानिर्जरा वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे? महानिर्जरा। इसलिए सकाम निर्जरा ही होनी चाहिए, काम निर्जरा कभी नहीं। कोई भी पीड़ा या वेदना मिले तो आपको इसको समझना है कि चलो शरीर कोई मिली है, मेरा आत्मा इससे मुक्त रहे, बस क्या सोचोगे? शरीर को मिली है, मेरा आत्मा इससे मुक्त रहे, मुक्त रहे, मेरे आत्मा पे कोई घात या कोई दुख दर्द की एक भी कर्म की उसके ऊपर लकीर नहीं पड़नी चाहिए। कितना भी वेदनीय होगा आप, कर्म का उदय है ये, मेरी आत्मा को छुड़ाने आया, आप यही समझोगे बस। कितनी भी वेदना का समय आए आप यही समझोगे कि इससे मेरे आत्मा के ऊपर से भार हल्का हो रहा है, ठीक है? हाँ आओ चलो, अभी संगनी जीव की बात की है, अभी मैं संगनी जीव पे आ रही हूँ। क्लियर हो रहा है ना? वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। आओ चलो, समर्थ जीव, संगनी जीव किसको कहा जा गया है? संगनी जीव मतलब कि समर्थ जीव। कौन जीव? जो समर्थ है, जो संगना बुद्धि में प्रवीण है, जो समझदार है, जो अपनी स्थिति को समझ सकते हैं, जो अपने कर्मों को घटा सकते हैं, और वो भी महानिर्जरा के रूप में घटा सकते हैं। समर्थ जीव अथवा संगनी जीव तीव्र इच्छा पूर्वक वेदना को वेदते हैं और अनिच्छा पूर्वक भी वेदना को वेदते हैं, ठीक है? क्योंकि संगना आ गई है तो इच्छा आ गई। देखो बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है। संगनी जीव के पास संगना है तो इच्छा से ही सब काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो संगनी जीव कर्म घटाने की इच्छा से वेदना को भोगेगा तो उसकी महानिर्जरा होगी कि नहीं होगी? और संगनी जीव ये सोचेगा कि भाई कोई जन्म मरण कुछ नहीं है, आराम से भोगो और खाओ, तो उसको अगर पीड़ा आई तो वो दुख से भोगेगा, रो के भोगेगा, अरे मेरे कोई पीड़ा क्यों आई, बाकी सारे मजा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? वो महावेदना महानिर्जरा भोगेगा? भोगेगा। महानिर्जरा महावेदना तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो उसको तो पीड़ा है, पीड़ा में तकलीफ हो रही है, उसको तो पीड़ा चाहिए ही नहीं, उसको मौज मजा शरीर मिला है, आनंद करने के मिला है, तो मेरे से ये कुछ नहीं, मेरे से कोई भोग नहीं हो रहा है, तो क्या होगा उसको? कर्म बंद होगा कि कर्म से छूटेगा? कर्म बंद होगा। तो महान निर्जरा तो हुई कहाँ, तो महानिर्जरा कैसे होगी? नहीं होगी, उसको महानिर्जरा नहीं होगी। तो आपको महानिर्जरा कराने वाला और कर्मबंध से बचाने वाला कौन है? संगना बुद्धि। कौन है? संगना बुद्धि। समझ में आया? आप चीज को कैसे ले रहे हो उससे बचोगे। अगर कोई तकलीफ पड़ेगी तो उसको, मान लो कि महीने डेढ़ महीने के लिए बेड रेस्ट आया, मान लो पैर में आप गिरे हो, हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है और डेढ़ महीने तक खड़े नहीं हो गए, अब आप क्या करोगे? बेड में बैठे बैठे क्या करोगे? आर्त्र ध्यान करेंगे। हाँ आर्त्र ध्यान करेंगे। आर्त्र ध्यान किया तो क्या बढ़ा? कर्म बढ़े, कर्म बढ़े। देखो ध्यान दो, आर्त्र ध्यान किया तो कर्म बढ़ा, क्योंकि असाता का उदय तो हुआ है, असाता वेदनीय का उदय हुआ है। अब उसमें कर्म बंद करना है या वो असाता वेदनीय होते हुए कर्म से बाहर निकलना है? कर्म से बाहर निकल। तो महानिर्जरा महावेदना में महानिर्जरा कैसे करोगे? देखो महावेदना तो हो रही है, महावेदना हो रही है क्योंकि पैर में हड्डी टूटी है, तो महानिर्जरा कैसे करोगे? अब डेढ़ महीना क्या करोगे तो महानिर्जरा होगी? तप नहीं कर सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, संभाव में रह सकते,
पूजा नहीं कर सकते, दर्शन तो कर सकते हो? हाँ। दर्शन तो कर सकते हो? हाँ। अच्छा दूसरा, गाथा कर सकते हो? हो सकती है पर मन नहीं होगा। अरे मन नहीं होगा पर पढ़ तो सकते हो, वांचन। हाँ, वांचन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, बिंदु बहन को फोन तो कर ही सकते हो। हाँ। तो पांचों प्रकार का स्वाध्याय हो गया। हाँ। पांचों प्रकार का स्वाध्याय हो गया। हाँ। बोलो तो अब आप एक बात मैं बताऊं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। कब पता है, मैं आपको ईयर अगर बताऊं ना तो लगभग 95 में, 1995-96 में मैं गिर गई थी, पैर की हड्डी टूटी थी। डॉक्टर ने बोला था 4 महीना बेड रेस्ट है, खड़ा नहीं होना। और तब मैंने 5 प्रतिक्रमण तक, नौकार से लेके 5 प्रतिक्रमण तक सभी गाथा लिखी, उसका अर्थ लिखा। गाथा लिखती थी और उसका अर्थ लिखता था, नौ स्मरण तक, कर्म ग्रंथ तक, 6 कर्म ग्रंथ तक। छः कर्म ग्रंथ तक, पहला धोरण, दूसरा धोरण, तीसरा धोरण, 16वें धोरण तक मैंने गाथा लिखी, अर्थ लिखा, गाथा लिखी, अर्थ लिखा। और यही कारण था कि जो मुझे साल की 5 गाथा नहीं याद रहती थी, उसके बाद मैं वही 16 धोरण तक, जहाँ तक लिखी वहाँ तक ही, हाँ ये भी ध्यान देने की बात, जहाँ तक लिखी वहाँ तक की सारी गाथा मैंने एक एक साल में गाथार्थ किया, जबानी किया, और एग्जाम भी दी 16 धोरण तक। बोलो, एक साथ है? हाँ, वन बाय वन, एक 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 साल, 5-10 साल तक मैं हर साल तत्वज्ञान विद्यापीठ की गाथा करके एग्जाम देती रही। साल उसके बाद साल की 100-100 गाथा याद रहने लग गई। मतलब क्या हुआ पता है, जहाँ तक लिखी थी वहां तक ही किया, उसके बाद छोड़ दिया। 6 कर्म ग्रंथ तक के लिखा। हाँ, बस तो 16 धोरण को 6 कर्म ग्रंथ तक का मैंने पाठ किया। तो ये अब तब से मैं बोल रही हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं गिर गई, मेरे को वक्त मिला। समझ में आया? अगर वो नहीं करती तो आज यहाँ नहीं होती मैं आप लोगों के सामने। 4 महीना 4 महीना भी नहीं, 1.5 महीना, 1.5 महीने में तो अच्छा हो गया, पैर भी अच्छा हो गया, खड़ी हो गई। अच्छा। हाँ, तो ये फायदा होता है जब समय आए, उस समय का आपको असातावेदनीय महान वेदना और असातावेदनीय दोनों का उदय, लेकिन उस वक्त ज्ञान का क्षयक्षम हुआ। हाँ। लिखती रही तो स्वाध्याय हो गया ना, 5 प्रकार का स्वाध्याय हो गया, चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, 5 प्रकार का स्वाध्याय हो गया। तो ये और जाप बहुत किए, क्योंकि लिखते थे, लिखने में हाथ दुख जाए तो फिर जाप, और वही सब। तब तो कोई टीवी देखने का तो मौका ही नहीं था, क्योंकि फोन तो था नहीं, मोबाइल शायद होता तो कहीं और रास्ते पे चढ़ जाते। और टीवी देखने के लिए बाहर आना, टीवी भी एक ही होता था तब तो, हर घर में एक होता था तब तो, कमरे में भी टीवी की आजादी नहीं थी। तो ये फायदा हुआ था मुझे। बोलो। और मैं यही बोल रही थी, अच्छा हुआ गिरी, मुझे टाइम मिला, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो ये होता है जब भी महानिर्जरा। अब महावेदना के साथ महानिर्जरा हुई कि नहीं बताओ, दोनों चीज हुई, बहुत अच्छी हुई। बिंदु बहन एक बात पूछनी थी। हाँ। आपने तभी गाथा और गाथा, मतलब गाथा खुद से ही बॉक्स लेके खुद से? खुद, कोई नहीं। और जो कर्म ग्रंथ तक तो, अब मैं, मुझे कराने वाला तो कोई नहीं था, मैंने किया भी नहीं था कुछ भी। तो जो गाथा लिखती थी और उसके अर्थ भी, अर्थ लिखने के बाद वो क्या समझी वो मैं अपनी भाषा में लिखती थी। ओके। मतलब इसका क्या मतलब होता है। हाँ। विवेचन भी। अच्छा। हाँ, विवेचन नौकार के ऊपर तभी 10-12 पेज लिख दिए थे। मतलब कि ये इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इससे यहाँ तक निकल रहा है, इसके इसमें यहाँ तक निकल रहा है, ये सारा बैठ के कुछ काम नहीं था तो अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी मजा आ रही थी कि पूछो, क्योंकि एक एक सूत्र पे ये उस पर अटक जाऊँ तो मुश्किल है ना, ये तो आगे आगे लिखना ही था। आज एक सूत्र की 5 गाथा लिखी तो कल 5 की 7 लिखी,
सात के बाद रोज 10 लिखी तो आनंद ही आता है ना कि चलो कल से आज ज्यादा लिखा है, कल से आज ज्यादा लिखा है। और अर्थ भी समझना आता था तो और मजा आती थी। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, क्योंकि प्रतिक्रमण का ही अर्थ लिखा। ऐसे तो हम कर लेते हैं, बोल लेते हैं फटफट, लेकिन उसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता। अब गाथार्थ करोगे, लिखोगे तो समझ में आएगा कि ये शब्द का मतलब क्या है, तो बहुत खुलता है उससे। तो जब महावेदना हो तब महावेद निद्रा का मौका संगनी जीवों के लिए होता ही होता है। समझ में आया? हाँ, और ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप इच्छा पूर्वक, अब ये तीव्र इच्छा पूर्वक वेदना को वेदना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक है। जिसे देखने की शक्ति होते हुए भी अंधेरे में पड़ी पदार्थों को आप नहीं देख सकते, बराबर? हाँ। आपके पास आंखें हैं लेकिन अंधेरे में पड़ी चीज को आप देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकते हो। ऊपर नीचे पीछे रही बातों को देख सकते हो? जमीन के नीचे क्या है देख सकते हो ना, बराबर? आकाश में बादलों के पीछे क्या उड़ रहा है आप उसको भी नहीं देख सकते हो। इसी तरह ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, आपके अंदर ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है, दोनों है, लेकिन वो दोनों क्या है, अज्ञान दशा में। वो दोनों अज्ञान दशा में, वो दोनों के ऊपर आवरण पड़ा है, तो क्या आप ज्ञान जान पाओगे कोई भी चीज, बताओ? नहीं। शक्ति तो आपके अंदर है ही। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि ऊपर प्लेन जा रहा है लेकिन अभी इतने बादल है कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि प्लेन नहीं जा रहा है? नहीं। जा रहा है, पर मेरे में शक्ति नहीं है बादलों के कारण मैं देख पाऊँ। क्यों? बादलों ने प्लेन को ढक दिया इसलिए नहीं देख रही। तो ऐसे ही मेरे अंदर ज्ञान का आवरण पड़ा है इसलिए ज्ञान खुल नहीं रहा। अब खोलने की कोशिश तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और वो कैसे होगी? जब मैं महानिर्जरा करूंगी तब। मतलब कांस्टेंट उस वस्तु पे ही मेरा फोकस होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि तब मेरे दिमाग में यही आना चाहिए, अरे अच्छा मैं ड्राइंग भी कर सकती थी उस वक्त, मैं कुछ ड्राइंग, कुछ आर्टिस्ट, कुछ डिजाइन बना सकती थी कि नहीं? क्रोशियो से कुछ बनना बुनना गुथना, स्वेटर भी कर सकती थी दो तीन। हाँ। कुछ भी कर सकती थी, राइट? हाँ। स्टोरी बुक भी पढ़ सकती थी। हाँ। लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति का कितना प्रयोग करती हूँ वो आपके ऊपर। हाँ, वो आपके ऊपर, ठीक है? हाँ। बस आओ। तो जिस प्रकार से अब असंगनी जीव की बात, ये संगनी जीव की बात थी, अब असंगनी जीव की बात। असंगनी जीव इच्छा और ज्ञान शक्ति के अभाव से जीते हैं, उनके अंदर इच्छा है ही नहीं। इच्छा ही नहीं हो रही है तो और ज्ञान शक्ति भी नहीं है तो इच्छा ही नहीं है तो अनिच्छा ही हो गई ना उनकी। बिना मर्जी के ही उनको जीना पड़ रहा है ना। हाँ। उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। और ज्ञान शक्ति का अभाव है तो अज्ञान पूर्वक ही हुआ। अब उसको सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तो दोनों को वो वेत्ते तो है ही, जैसे हम वेत्ते वैसे वो भी वेत्ते हैं। लेकिन इच्छा और ज्ञान के अभाव के कारण वो अपने नानावरण कर्मों को हटा नहीं सकते। हटा सकेंगे क्या? नहीं। तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका उपयोग ही नहीं कर सकते, ठीक है? और संगनी जीव समर्थ है, इच्छा युक्त है, तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी कोई राग द्वेष वाला होगा तो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अति रागी होगा तो ऊपर से मेरे पैर ऐसे हैं, आप लोग मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, दो लोगों को बोलेगा कि तुम मिलने नहीं आ रहे हो। हाँ, तुम मिलने नहीं आ रहे हो। ऊपर नीचे लोगों को बुलाएगा कि भाई आओ और दो घंटे बैठो मेरे साथ, ताश खेलो। ताश तो खेलने का इससे बढ़िया मौका होता ही नहीं है आपके पास। बोलो, समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास समय होते तब हम क्या क्या करते, याद आ रहा है? सांप सीढ़ी खेलो अकेले बैठे बैठे, ढगलाबाजी खेलो, क्या होगा उससे? नहीं।
कुछ हो पाएगा? ठीक है चलो आगे। अगर संगनी जीव ने भी समर्थ और इच्छा युक्त होते हुए भी अगर वो राग द्वेष युक्त होकर ताश खेलने बैठ गए, गुस्सा करने बैठ गए, कोई नई नई रेसिपी बनवा के खाना और उसके पीछे भी घर पे ही बैठे हूँ आराम से खाओ पियो, तो तीव्र अभिलाष खाने पीने का करते हुए सुख दुख को वो वेदनीय समय को वेद रहे हैं, तो क्या वो ये तीव्र अभिलाष तीव्र राग तीव्र द्वेष के कारण क्या वो इस महावेदना को महानिर्जरा में समर्पित कर पाएंगे क्या? बताओ वो वेद पाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो तीव्र राग द्वेष से युक्त लेशियाओं के कारण तीव्र अभिलाषी बन जाएंगे और अज्ञानी हो जाएंगे, बिल्कुल अज्ञानी, शक्ति होने के बावजूद अज्ञानी। और अज्ञानता से आप सुख दुख को वेद रहे हो तो उससे आपके कर्म खम नहीं होंगे। बहुत सिंपल लॉजिक बताया है यहाँ पे कि आपको अपने कर्म को वेदना है तो आपको बिल्कुल सोच समझ के जागृत अवस्था में आपको उसको वेदना पड़ेगा। तीव्र अभिलाष और रागी द्वेषी बन के कर्म हमेशा नए ही बंधेंगे। समझ में आया? हाँ। ज्ञानी बनो, समझो, संजोग को समझो, हर एक जगह पे अपने ज्ञान का उपयोग करो, हर एक जगह कि ये क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, पहले ये सोचो बस कि आज ये दुनिया में अगर मेरे घर वाले या मेरी खुद की व्यक्ति या मेरा पार्टनर अगर मुझे तकलीफ दे रहा है तो वो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मुझे ही क्यों परेशान कर रहा है। ये भी ज्ञानी की ताकत है, वो ढूंढ पाएगा। अगर आप ज्ञान से भरपूर हो तो आप जरूर ढूंढ पाओ, क्योंकि ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति ही इसका जवाब दे सकती है और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी दे सकती है। आपको दे सकती है कि नहीं दे सकती है, बताओ? जरूर दे सकती, जरूर दे सकती, जरूर। मेरे साथ ही ऐसा, अरे मेरे बच्चे ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा किस कारण हो रहा है? अरे भाई संसार राग से ही भरा हुआ है, वो सारे लेन देन लेने के लिए ही आए, मेरे से कर्जा लेने के लिए ही आए हैं, तो मुझे कहाँ से सुख देंगे? अगर पूर्व जन्म में उनको मुझे मेरे से सुख लेना ही लिखा है तो मेरे से पैसा लेना लिखा है, सुख लेना लिखा है, मुझे मुझसे शारीरिक परिश्रम कराना लिखा है, तो वो लोग मुझे तकलीफ ही देंगे ना, मुझे कहाँ से सुख दे पाएंगे, बताओ? हाँ, ऐसा हमको सोचना ही पड़ेगा, तो ही आपके ज्ञान और इच्छा शक्ति के उपयोग से आप आने वाली महावेदना के समय महानिर्जरा कर पाओगे। नहीं तो महावेदना हो रही है और ऊपर से महानिर्जरा की जगह महाकर्म बन कर रहे हो, क्या होगा बताओ? संसार में भटकते, हाँ, और कर्म बंद होगा, नया कर्म, अरे ये मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा ही बेटा है मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा ही घर वाला 40-40, 50-50 साल से मैं उसके साथ रह रही हूँ और ये मुझे ही तकलीफ दे रहा है, तो नया कर्म बंद होगा। हाँ ठीक है, तो आपको ये संगनी जीवी कर पाएगा, सामान्य जीव नहीं। ठीक है, आज संगनी जीव के लिए बहुत अच्छा जाना, बहुत अच्छा। आगे जाएंगे, अब बात की है प्रत्याख्यान, संगनी जीव को क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति का उपयोग करना है, ज्ञान शक्ति, समझ में आ रहा है? प्राण, देखिए सामान्य धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दो शक्ति बताई है, इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, ध्यान देना। लेकिन परमात्मा ने इसको क्या नाम दिया? इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञानी है, इन्होंने आत्मा को प्राण माना है, भगवान कह रहे तेरा आत्मा ज्ञानी है, ज्ञान से भरा हुआ है, उसमें
प्राण है ऐसा, प्राण तो मरने के बाद भी आत्मा में प्राण तो है ही ना, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि जैन धर्म ने माना है कि आत्मा यहाँ से जीव निकलने के बाद मोक्ष में जाएगा ना, तो वहां भी आत्मा तो जीवित ही है, तो आत्मा के अंदर प्राण शक्ति आज है और कल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा शक्ति और ज्ञान शक्ति होती है, प्राण शक्ति नहीं। प्राण तो आत्मा खुद ही प्राण है, जो खुद प्राण हो उसके पास प्राण शक्ति के रूप में थोड़ी मिलेगा। बताओ, अगर मैं खुद आत्मा हूं तो मेरे पास आत्मा शक्ति के रूप में मिलेगा क्या? नहीं। ज्ञान के साथ अज्ञान होता है कि नहीं होता है? अगर आत्मा को आपने ज्ञान शक्ति उसके पास शक्ति मानोगे तो आत्मा के पास प्राण तो हमेशा होता है, होता है कि नहीं होता है? संसार में भी प्राण के साथ ही है आत्मा, संसार के बाहर भी प्राण के साथ ही आत्मा है, तो प्राण को शक्ति के रूप में नहीं ले सकते, बराबर? हाँ, तो शक्ति के रूप में ज्ञान को लेना है। देखो, ये हिंदू धर्म जैन धर्म में यही पे फर्क। परमात्मा ने आत्मा की शक्तियां बताई, हमारे जीव के अंदर, संसारी जीव के अंदर या संसारी जीव के बाहर दो शक्ति बताई है, एक है ज्ञान शक्ति, एक है प्राण शक्ति, अरे इच्छा शक्ति। वो भी संगनी जीव में, असंगनी में तो वो भी नहीं है। असंगनी में तो ज्ञान शक्ति पड़ी है, वो भी ढकी हुई और अज्ञान के रूप में, और इच्छा शक्ति तो है ही नहीं। ठीक है। चल, तो ये जो दो धर्म की समझ में कहां फेर है ना, ये मैंने आपको बताया। आओ आगे। अब आपके पास इच्छा शक्ति है और ज्ञान शक्ति है, तो क्या ज्ञान शक्ति से आप क्या रास्ता लोगे? तो आप संगनी जीव होके महानिर्जरा महावेदना से बाहर निकल पाओगे, रास्ता आपको लेना है, बराबर? तो परमात्मा ने इसके लिए प्रत्याख्यान बोला है। क्या बोला है? प्रत्याख्यान। आप संगनी जीव ज्ञान से भरा हुआ है, उसको प्रत्याख्यान करना चाहिए, प्रत्याख्यानी बनना चाहिए। प्रत्याख्यान का मतलब है कि प्रतिज्ञा लेना, नियम में आना, प्रतिज्ञा लेना। तो आपको मैं जीव की हत्या नहीं करूंगी उसकी तो प्रतिज्ञा लेनी ही पड़ेगी ना जी। तो जो पांच मुख्य हमारे जो व्रत है उसका प्रत्याख्यान, जो महात्मा है वो सर्व प्रत्याख्यान, सर्ववीरति का व्रत लेकर प्रत्याख्यानी बनेंगे, और हम जैसे श्रावक श्राविका देशवीरति का प्रत्याख्यान लेके प्रत्याख्यानी बनेंगे। समझ में आया? बराबर। तो प्रत्याख्यान का मतलब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसे नियम में बंधना। मुख्य रूप से पांच ही प्रत्याख्यान है, आप ये बात याद रखना। और खास करके जो कर्म प्रकृति है 153, वो पांच आपके जो पांच प्रतिज्ञा है, पांच महाव्रत है, उसको 153 कर्म की पद्धति से ही वो हम पे लग रहा है। कर्म 153 पद्धति से हम पे लग रहा है, तो हमको ये 153 की कर्म प्रकृति से बाहर निकलने का, वो काम नहीं करने का प्रत्याख्यान लेना है। समझ में आया? तो मूल गुण प्रत्याख्यान, इसलिए प्रत्याख्यान के दो इसमें प्रकार बताए हैं, एक है मूल गुण प्रत्याख्यान, एक है उत्तर गुण, देश मूल गुण प्रत्याख्यान, दूसरा है देश मूल गुण। मतलब एक सर्व मूल गुण हुआ, पहला कौन सा है? मूल गुण, उसके भी दो भेद। अच्छा, देखो टोटल प्रत्याख्यान के दो भेद है, उसमें सबसे पहला मूल गुण, उसके भी दो भेद। अच्छा, क्योंकि मूल गुण में भी सर्व मूल गुण, देश मूल गुण। आठों कर्म प्रकृति के जो पंच महाव्रती है महात्मा, वो सर्व मूल गुण में आ गए, बराबर, सर्व रूप से सर्ववीरति में आए, इसलिए सर्व मूल गुण, और हम लोग देश वीरति में है इसलिए देश मूल गुण। समझ में आ गया जी? यस। आओ, अब सर्व मूल गुण की थोड़ी डिटेल से बात की है, उसको जानेंगे। सर्व मूल गुण में
पांच प्रकार के प्रत्याख्यान जो मैं पहले बोली वही हुआ। कौन से पांच? सर्व प्रकार की हिंसा से विराम, मतलब अहिंसा धर्म, फिर सर्व प्रकार के असत्य से विराम मतलब अस्तेय, सर्व प्रकार के अब्रह्मचर्य से विराम मतलब ब्रह्मचर्य, सर्व प्रकार की चोरी से विराम मतलब अचौर्य, और सर्व प्रकार के परिग्रह से विराम मतलब अपरिग्रह। तो ये पांचों महाव्रत है, वही हमारे सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान। और देश मूल गुण में आएंगे तो ये पांचों स्थूल व्रत हो जाएंगे, ठीक है, पांचों के पांचों स्थूल व्रत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्थूल हिंसा से विराम, स्थूल असत्य से विराम, थोड़े बहुत असत्य आप बोल सकते हो लेकिन स्थूल मोटा मोटा असत्य आपको नहीं बोलना है, हाँ ठीक है। और अब्रह्म सेवन से आराम, जैसे कि पर स्त्री गमन नहीं करना है, पर पुरुष गमन नहीं करना है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने अपना माना है और उससे आपने कुछ नियम और जो करार किए हैं आप उससे ब्रह्मचर्य अब्रह्म का सेवन आप करो। तो ये मैंने स्थूल मोटा मोटा व्रत लिया ना, ये मेरे लिए मोटा व्रत हुआ कि नहीं? जी। यस। तो ये मोटा अब्रह्म सेवन का व्रत हुआ। स्थूल परिग्रह में बहुत सारी चीज, 200-500 हजार कपड़े की छूट रखूंगी तो वो स्थूल परिग्रह हुआ, क्योंकि पांच कपड़े की तो गिनती नहीं दुनिया में, वो सारा मेरा नहीं, मेरे पास जो कबाट में पड़ा है वो मेरा, तो बाकी की वो अब किसी का मैं लेके पहनू, सहेली है उसकी 50 साड़ी है वो भी मैं पहनू तो 100 सहेली और सबकी 50-100 कपड़े है तो सारे के सारे पे मेरा दोष लग गया, हाँ। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देश मूल पे आएंगे, ये सर्व मूल था, अब दूसरा भाग है देश मूल। तो जो देश मूल मूल गुण है ये भी हो गया। अब आएंगे हमारे उत्तर गुण प्रत्याख्यान, जो दूसरा था। पहले मूल गुण प्रत्याख्यान में के दो भाग हो गए, अब उत्तर गुण प्रत्याख्यान के भी दो भाग। कैसे? एक सर्व उत्तर गुण जो पंच महाव्रती महात्मा के हैं, और एक देश उत्तर गुण जो हम लोग श्रावक के लिए है, बराबर जी। बस अब सर्व उत्तर गुण के 10 प्रकार है, कितने? 10। इसको समझना है हमको, क्योंकि ये सारी चीज हमको नॉर्मल व्याख्यान में नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, तो ये सबको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान जो है, मतलब ये उत्तर गुण प्रकृति है कर्म की, बाकी की 153 प्रकृति की बात है। उसका सबसे पहला प्रकार है अनागत। क्या? अनागत। भविष्य में अगर मैं कुछ करना चाहूँ उसको पहले लाके करूँ, मतलब कि अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को ये क्या बोलूं मैं, जैसे कि मुझे ये ब्रह्मचर्य का पालन तो करना है लेकिन 70 साल के बाद, अच्छा। तो इसको आपको कब करना चाहिए? पहले में। मुझे मंदिर तो बंधवाना है लेकिन अभी 10 साल नहीं, अभी बाद में, सब बच्चों की शादी वादी हो जाए बाद में, मतलब अगर जो मैं भविष्य में मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ उसको मैं कब करूँ? आज करूँ, क्योंकि ये सोचूं कि भाई कल का भरोसा नहीं है, समय आया है आज ही खत्म करो। समझ में आया? तो ये हाँ, अनागत 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 मतलब भविष्य काल, अनागत अनागत, हाँ ठीक है। तो मैं अभी कल उद्धान करूंगी, कभी भी करूंगी 5-10 साल बाद, ऐसा नहीं यही साल करूँ ऐसे। उसके बाद दूसरा है अतिक्रांत। अतिक्रांत अतिक्रांत मतलब मैंने पहले कोई तप किया था, मुझे पहले करना चाहिए था, बहुत छोटी थी तब करना चाहिए था, और अब मैं करूं, मतलब जो आज ऐसे बच्चों की उम्र की बात हो तब करना था लेकिन मैंने नहीं किया है, तो अब तो मुझे अब आज कोई 70-80 साल की लेडी ये सोचेगी मैंने मांस खमण पहले नहीं, मेरे पहले भी नहीं हुआ और मैं आज मैं करने की कोशिश करूँ, वो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब ये उसको अगर वो करने की कोशिश करे बीमार हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अतिक्रांत। ये जब पता ही है कि तेरे शरीर में ताकत नहीं है फिर क्यों कर रही?
मतलब क्या हुआ पता है, अगर आज मैं खुद मेरी ही बात करूं, चलो मांस खमन करने जाऊं, मेरे से दो उपवास होते नहीं, तीन उपवास, चार उपवास, अगर तबीयत बिगड़ गई हाँ यही बात है। तो अतिक्रांत नहीं करना है। देखो एक बात ध्यान दो, परमात्मा ने तप के लिए तो खास बोला है कि यथाशक्ति करो, लेकिन आपकी मन की स्थिति कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर मन, क्योंकि तबीयत बिगड़ेगी तो दिमाग तो कंट्रोल में रहेगा नहीं, हाँ, और राग द्वेष बढ़ जाएगा तो आप बिल्कुल अति क्रोधी भी हो जाएंगे, सब कुछ हो सकता है। तो मतलब जो करना कब था, जब आपकी शरीर की स्थिति सही थी तब नहीं किया, और अब करने जाओगे तो वो जैसे हम बोलेंगे ना कि अब शक्ति नहीं है, आप कैसे कर रहे हो। हम बोलते भी है ना कि ये थोड़ी होना चाहिए, हाँ प्रॉब्लम आएगी आएगी, हम ऐसा बोलते हैं ना। आज अगर 40-45 साल की उम्र में लड़की शादी करेगी और 45 के बाद बच्चा करेगी तो बच्चा कैसा आएगा बताओ, वीक आएगा ना, है ना, क्योंकि लड़के का शरीर ही वीक हो चुका है। तो अब तब इसको अतिक्रांत कहा जाएगा, इसको अतिक्रांत। और आपके कारण तकलीफ अब कौन भोगेगा, बच्चा भोगेगा, वो पूरी जिंदगी ऐसा भोगेगा। तो जो काम जो उम्र में करना चाहिए वो ही उम्र में करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, उसके बाद है कोटि सहित, कोटि सहित तीसरा प्रकार है, कोटि सहित, कोटि 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 सहित बोलते हैं उसको, सहित, ठीक है। आपको ये शायद दिख रहा है, मैंने नहीं दिख रहा है, क्यों पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है कि पता नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयरिंग मुझे लग रहा दिख रहा होगा, ठीक है कोई बात। एक तप जिस दिन खत्म हो रहा है उसी दिन से दूसरा तप शुरू करना। अच्छा। हाँ मतलब एक का एंड और दूसरे की शुरुआत को मिलाना। अच्छा ठीक है। हाँ फिर नियंत्रित, चौथा प्रकार है नियंत्रित, तो विघ्न आने पर भी नियमित रूप से तप करना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत बड़ा तप तप वाले को ही ये बात ज़्यादा बताई है, अगर विघ्न आ गया है, कुछ तकलीफ हुई है तो आप अटक जाओ। चौथा प्रकार है नियंत्रित, अगर कोई विघ्न आ गया या कोई तकलीफ हुई या हेल्थ बिगड़ी तो भी नियमित रूप से तप चालू रखो, तो भी तकलीफ आती है ना, बढ़ जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर साकार अपवाद पूर्वक तप करना, साकार अपवाद पूर्वक तप, और निराकार का मतलब अपवाद रहित तप करना, कोई अपवाद ना हो, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो क्या होगा तप में, आज से पहले किसी ने ऐसा तप नहीं किया, आप तप करने के बाद अपवाद रूप तप करोगे तो यही बोलोगे ना, आप लिस्ट में लिखोगे कि आज मेरे 25वां मास खमन है, तो ये अपवाद पूर्वक हुआ। फिर निराकार मतलब बिल्कुल निरंजन निराकार बन जाओ, तो कैसा, अपवाद रहित। तो आप ये ध्यान में ना लो ऐसे तप। अच्छा हाँ, आपको ये इस चीज को मैं ध्यान में नहीं लेना चाहिए। फिर कृत परिमाण मतलब कि परिमाण नक्की करो कि मैं इतने ही कोड़ियाँ खाऊंगी, या मैं आप कवल का भी परिमाण कर सकते हो, रस त्याग भी कर सकते हो। रस त्याग में कभी कभी नहीं खाना भी होता है, और कभी कभी ऐसा रस, खास करके रस त्याग में 5 मिठाई हो उसमें से आप एक ही खाओ या 2 ही खाओ। मतलब क्या होगा, अगर आपको ये बाधा लेनी है कि मैं 7 चीज खाऊंगी खाने के वक्त, 8वीं चीज नहीं लूंगी, तो होगा क्या, शादी ब्याह में गए हो, खाने के लिए गए हो, 100 चीज है उसमें से मिठाई 4-5 प्रकार की मिठाई है, तो आपको तो 7 चीज में से मिठाई तो 2 ही खा सकते हो ना, गिनती में। फिर एक गिनती में वो फरसाण आ गया 1-2, तो आपकी 4 चीज तो हो गई, तो फिर फरसाण भी 5 बने हो तो उसमें से 2 का ही दोष लगेगा। बस अब क्या खाओगे बताओ, तो ये क्या हो गया, कृत परिमाण।
तो ऐसे ही घर की भी चीज वस्तु की भी होती है भी, कपड़े भी मेरे 500 से ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए, ये सारी गिनती होती है, ठीक है। फिर निरवशेष, ये भी एक तप है, ये भी एक तप है। निरवशेष मतलब कि चारों प्रकार के आहार का त्याग। आप बोलते हो ना कि अशन पान अशनम पानम खाइमम साइमम, आसन नो त्याग, पानी नो त्याग, खावा नो त्याग अने स्वाद नो त्याग, चारे चार नो त्याग करे हो छो ने आप। हाँ, तो ये निरवशेष कहेवाय, मतलब कुछ नहीं खाना। फिर संकेत, तो मैं दो मुट्ठी खाऊंगी, या मैं, वो कभी नहीं होता है दिया जले तब तक दीपक एकासना, जब तक दिया जलेगा आप एकासना करोगे नहीं, तो जैसे दिया अगर तुम तुरंत बुझ गया तो आप उठ जाओगे। मैंने कभी सुना। हाँ, दीपक ऐसा एकासना ऐसा होता है। तो ये संकेत पूर्वक तप, जैसे चंदन बाला का तप था कि भाई परमात्मा आए बाकुड़ा भोराऊ फिर खाऊं, और परमात्मा ने तप किया था कि ऐसी एक स्त्री हो, राजकुमारी हो, रो रही हो, तो वो रो नहीं रही थी तो भगवान चले गए वापस। तो भगवान को 5 मास 25 दिन का जो भी उपवास चला वो संकेत पूर्वक अभिग्रह वाला, संकेत पूर्वक मतलब अभिग्रह वाला, वो नहीं हुआ इसीलिए भगवान वापस जा रहे थे ना। हाँ, तो संकेत मतलब अभिग्रह पूर्वक। और दसवा है अद्धा, काल का प्रमाण, जैसे कि उपवास तो 24 घंटे का, फिर छठ तो 2 दिन का, वो संकेत है ना, काल काल प्रमाण है। अट्ठम तो 3 दिन, अट्ठाई तो 8 दिन, तो ये काल प्रमाण हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से ये तप जो है ये आपका सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान हुआ, बराबर के मैं इस प्रकार से तप करूंगी। अच्छा। हाँ, अब देश उत्तर गुण आया, तो वो 7 प्रकार है उसके। देश उत्तर गुण मतलब स्थूल मात्रा में, सूक्ष्म में ही स्थूल। तो क्या हो गया देश उत्तर गुण, देखिए हम लोगों के लिए चारों दिशाओं का परिमाण, 10 दिशाओं के परिमाण, कि मैं ऊपर जाना है, मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगी। वो तो 14 नियम में आता है। हाँ, 14 नियम में आता है, नीचे जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, सबका परिमाण। तो ये मोटा मोटा ही हुआ ना। हाँ, फिर उपभोग परिभोग, जैसे मैं 500 चीज के कपड़े, दागीना, तोला, सोना, इतना, इससे ज्यादा मुझे नहीं लेना है, ऐसे व्रत लेना है। फिर अनर्थ दंड, तो जो निष्प्रयोजन, जो मैं कभी करने ही वाली नहीं हूं, अधर्म व्यापार का त्याग, जो आप कभी करने ही वाले ना हो, तो फिर उसका तो त्याग हो सकता है। जैसे कि चमड़े की चीज वापरना, मुझे नहीं वापरना है, मैं क्यों किसी चमड़े का, रेशमी कीड़े का बनता बनता हुआ कपड़ा मुझे नहीं वापरना है उसको, तो आप उसका तो त्याग कर ही सकते हो। हाँ, उसके बाद है सामायिक व्रत, तो आप रोज का सामायिक करो, नहीं तो फिर यावत जीव सामायिक करो जो दीक्षा है, नहीं तो फिर कुछ घंटे एक जगह बैठ के मैं ये करूँ, समता भाव में रहूँ, वो भी एक सामायिक ही हुआ। हाँ, तो दुश्चिंतन, देखो सामायिक को क्या है समझना, दुश्चिंतन कोई भी प्रकार का अशुभ चिंतन नहीं करना, कायिक वाचिक पाप कर्मों का त्याग, काया से पाप कर्म का त्याग, बोलने से पाप कर्म का त्याग, और दुश्चिंतन मतलब सोचने से भी पाप कर्म का त्याग हो गया। हाँ, तो तीनों का त्याग करते हुए समता को धारण करते हुए किया जाता व्रत, ठीक है। उसके बाद देशावकाशिक व्रत, तो जो दिशा व्रत में जो मर्यादा बांधी है उसको दिन और रात्रि में काम करना। दिशा तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं आज 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी। आप रोज अगर चाहो तो भी 500 किलोमीटर से ज्यादा तो जा नहीं सकते, इसीलिए ये व्रत बोला है, ठीक है, रोज की। तो वो देशावकाशिक हो गया। अवे पौषध उपवास मतलब अष्टमी, चतुर्दशी, पूनम, अमावस्या, ये पर्वतिथि, बड़ी पर्वतिथि है, उसमें मैं उपवास पूर्वक 4 टंक का उपवास करते हुए, 4 टंक का
उपवास करते हुए कुप्रवृत्तियों का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य धारण करके पौषध को धारण करूं, ठीक है। और अतिथि संविभाग मतलब जो साधु और सबाए उनको मैं अन्न दूं, तो ये सारा आपका उत्तर गुण व्रत हुआ। क्या था पौषध उपवास के बाद? हाँ, अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग जो भी साधु महात्मा आए उनको अन्न आदि देना, बराबर जी। ठीक है, चलो। तो ये आपके हुए मूल मूल गुण नहीं, देश मूल गुण, देश उत्तर गुण। ये क्या हुआ? देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान। ये ऐसे नियम आप में आपको रहना चाहिए। आप सूक्ष्म रूप से ऐसे नियम में रहोगे, समझ में आया कि भाई साधु महात्मा साहेब गोचरी का लाभ दो, बस आपको उनकी व्यावच तो करनी ही करनी। ये नियम आपके अंदर होना चाहिए। जब भी कोई साधु महात्मा को मैं देखूँ, मैं गोचरी पानी का अवश्य पूछूँ। मैं उनकी तकलीफ हो तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश मैं रहूँ, ठीक है। फिर दुश्चिंतन कायिक वाचिक पाप कर्म मन से वचन से काया से, तो मुझे पाप कर्म सोचना भी नहीं करना भी नहीं, ये तो आप हमेशा रह सकते हो। आपको हमेशा जागृत रहना पड़ेगा बस, कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं। अगर सोच लिया तो मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे से गलती हो गई, माफ करो। आप अंदर अंदर प्रायश्चित अभी अभी ऐसा सोचा किसी का भी इसका बुरा ही हो, ये मर जाए ये, फिर तुरंत सोचो अरे मैंने ये क्या बोल दिया, गलत करिए, ये तो हो सकता है ना। हाँ, तुरंत आप जैसे मैं इसलिए निंदा मी करी हामी, ध्यान दो, निंदा गरहा दोनों करना है। निंदा करनी है, मैंने किया उसकी निंदा, मैंने जो किया मैंने किसी और के साथ किया उसकी निंदा, किसी ने मेरे साथ किया उसको छोड़ना है, उसको याद नहीं रखना है मुझे। किसी ने मुझे बुरा भूला कहा, छोड़ दो भाई, मेरे नसीब में होगा ऐसा तभी आके बोल गया, मैंने इसको इससे भी ज्यादा परेशान किया होगा तभी आज कर रहा है, तो उसकी मैं गरहा कर रहा हूं, मतलब उसको मैं ध्यान में लूंगी ही नहीं। उसने क्या किया, उसने बुरा किया ही नहीं है, बस ये समय संजोग का खेल है, ये तो सोच ही सकते हो। हाँ, ये तो सोच ही सकते हो। तो ये आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए, तो ही आपका उत्तर गुण प्रत्याख्यान होगा। प्रतिपल आप ये सोचोगे, नहीं तो हम मूल गुण में तो अभी है ही नहीं। ठीक है, अब एक और चीज है जो प्रत्येक सन्नी जीव को करनी चाहिए, और सम्यक दृष्टि तो करेगा ही। क्या है वो? अपश्चिम, ध्यान देना शब्द, अपश्चिम मरणांतिक संलेखना व्रत। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। अपश्चिम मरणांतिक संलेखना व्रत। अपश्चिम मरणांतिक, मरण समय की संलेखना। अच्छा। मरण के समय संलेखना लेना, संलेखना करना, ऐसा व्रत हमारे होना ही चाहिए। इसका मतलब समझो, मैं बोल रही हूँ संलेखना मरण काले समय, मतलब जब अगर मृत्यु नजदीक है तो हमको क्या करनी चाहिए? संलेखना। क्या करनी चाहिए? संलेखना। क्या संलेखना क्या है? तो सर्व से अंतिम शरीर आदि कषायों को क्रूस करने वाले उपवास आदि तप, जो लास्ट आप जिसको बोलते हो ना अनशन, अनशन और समाधि लेते हैं। हाँ, अनशन समाधि, जब भी छठ तप लेकर ही जाते हैं सारे जो मोक्ष के जीव मोक्ष जाते हैं, वो लास्ट में क्या करते हैं? जगन्य से छठ, उत्कृष्ट से मास्खमण, एक मास की संलेखना होती है, इसको संलेखना कहा जाता है। अगर आप अंतिम समय मरने से पहले छठ में हो या मास का छठ के ऊपर के किसी भी तप में हो तो ये आपका संलेखना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संलेखना। आपने अंतिम दो दिन पहले ही आहार का त्याग कर लिया, पता चलता है तभी कर पाते हैं। मैं समझ रही हूँ, हमको तो अभी पता नहीं चल रहा है तो छोड़ दो,
लेकिन पता चलने वाले जिनको पता चल जाता है वो जरूर संलेखना करता है, ये बात सही? हाँ हाँ हाँ। चलो सर्व से अंतिम मतलब अब शरीर त्याग होने से पहले तो कषायों को क्रूश करने वाले, आपके कषायों को क्रूश करने वाले उपवास आदि तप, तो सारे तप आ गए, जरूरी नहीं आप उपवास ही करो, आप विनय व्यवच भी कर सकते हो बराबर, स्वाध्याय भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो, ध्यान में तो रह ही सकते हो ना, माला गिन वो तो गिन ही सकते हो, जो भी अगर पता चल जाए कि भई ये अभी अंतिम समय है तो महात्मा आके क्या करेंगे, धर्म ही सुनाएंगे ना, संलेखना करेंगे ना, वोसरानी की क्रिया कराते हैं ना उनको, पुद्गल वोसरानी की क्रिया, ये सारी संलेखना व्रत है, नौकार आदि ध्यान करना वो भी संलेखना व्रत है, उसको नौकार सुनाना भी संलेखना व्रत, ठीक है, उसको अपश्चिम संलेखना व्रत कहा जाता है, ये संलेखना देश उत्तर गुण वाले सर्वोत्तर गुण वाले को सर्वोत्तर गुण रूप होता है, अगर आपको आपका देश उत्तर गुण है तो आपको अल्प मात्रा में लाभदायी होगी, लेकिन जो सर्व गुण वाले हैं उनको सर्वोत्तम लाभदायी होगी, तो जो व्यक्ति जितना गुण वाला होगा उसको उतना फायदा होगा अंतिम संलेखना व्रत से, बराबर। तो ये संलेखना व्रत बहुत लाभदायी है, ठीक है, हाँ आओ अब यहाँ ध्यान दो, ये तप देशोत्तर गुण वाले को भी अंत में करने योग्य है, मतलब अगर आप अल्प गुणी हो तो भी आपको अंत में ये जरूर करना चाहिए, ठीक है, तो आपको उद्गल बोल रहा है हमको पता नहीं कब मरेंगे, लेकिन रात को जब हम ये बोल के सोते हैं ना, आहार शरीर उपदी पचकू पाप अडार, मरण अभी तो वो सिरे जीव तो आगर, तो ये करने जैसा है कि नहीं, करने जैसा है, करने जैसा है। अच्छा अब दूसरी बात, पहले ही अभी ही पुद्गल वोसराने की क्रिया कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जो पूर्व में पहले में जो छोड़ के आए उसको तो वोसराना अभी ही पड़ेगा, और आने वाले समय में तो आप रात को रोज ये बोल के सोओगे तो वोसराना हो गया, ये देश गुण हुआ, ये सर्वगुण नहीं है, ये देश गुण है ना, हाँ ठीक है। तो अब ये सोचना है हर पल कि कब मेरी आंख बंद हो जाए नहीं पता, उससे पहले मैं सभी प्रकार के सुख सुविधा शरीर सभी आहार उपधि सबका मैं त्याग कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक बात तो रोज सोचनी है कि मेरे पास जो कुछ भी मैं इसमें से कुछ भी लेके नहीं जा सकता, सिर्फ ज्ञान होगा मेरा जो मेरे साथ आएगा, आप इतना तो सोच ही सकते हो, चल अब जीवों में प्रत्याख्यान बताया है, तो आपको मूल गुण प्रत्याख्यानी और उत्तर गुण प्रत्याख्यानी दो मिल गए, हाँ अब अप्रत्याख्यानी भी होंगे उसमें, हाँ तो अप्रत्याख्यानी में नारक अभी अभी देखिए नरक गति से लेके चतुर इंद्रिय तक ये सारे जीव कैसे होंगे, प्रत्याख्यानी या अप्रत्याख्यानी, 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 क्योंकि उनके शरीर से वो पालन तो करने वाले ही नहीं है, नहीं कर पाए, उनको तो सारा मन से ही भोगना है, शरीर तो है ही नहीं तो प्रत्याख्यान कैसे करेंगे बताओ, ठीक है, तो ये सारे अप्रत्याख्यानी, कोई भी प्रकार का प्रत्याख्यान उनसे कभी नहीं हो सकता, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ये ही प्रत्याख्यान कर सकते हैं बराबर, और उसमें ही ये तीन प्रकार मिलेंगे, पहला प्रकार जीवों में प्रत्याख्यान मूल गुण प्रत्याख्यान, दूसरा उत्तर गुण प्रत्याख्यान, तीसरा अप्रत्याख्यान, ये तीनों किस में मिलेंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में ही, ठीक है, तो पंचेंद्र तिर्यंच भी मूल गुण उत्तर गुण प्रत्याख्यानी हो सकते हैं, हाँ हाँ सरप्राइज की बात है, लेकिन तिर्यंच भी उत्तर गुण प्रत्याख्यान और मूल गुण प्रत्याख्यान दोनों हो सकते हैं, आओ चंड तीन लोग
चंड कौशिक ने अनशन किया था कि नहीं? हाँ। तो ये क्या उत्तर गुण था कि मूल गुण था? मूल गुण था, उसने अनशन किया था। सभी का सर्वथा त्याग कर लिया, दीक्षा ही हो गई ना। हाँ। दीक्षा करके अनशन किया 15 दिन का, तो अनशन ही हुआ, दीक्षा तो हो ही गई। हाँ। वो अपने जैसे दीक्षा नहीं हुई, लेकिन सारा चीज का त्याग तो हो ही गया, संसार का, सुख का, सबका त्याग, तो वैराग्य तो हो ही गया उसको। हाँ। तो तिर्यंच में भी इस प्रकार से मूल गुण प्रत्याख्यानी मिलेंगे, ठीक है। अब तिर्यंच में मूल गुण प्रत्याख्यानी बहुत कम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उत्तर गुण प्रत्याख्यानी ज्यादा मिलेंगे। मनुष्य में भी मूल गुण प्रत्याख्यानी थोड़े हैं, उत्तर गुण ज्यादा है, और अप्रत्याख्यानी तो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से जीवों में तीनों प्रत्याख्यान होते हैं, ठीक है। अब अगर अप्रत्याख्यानी हो तो क्या होगा, ये हम अगले क्लास में करें, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। कि प्रत्याख्यान नहीं किया है तो क्या होगा, ये हम अगले क्लास में करें, चलो ठीक है। जय जिनेन्द्र। अभी अगला क्लास होगा सोमवार को, चलो जय जिनेन्द्र, अभी सोमवार को नहीं।